हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर्स डेस्टिनेशन। दोस्तों, मैं आज आपके साथ ये एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगा। आई शुड नॉट कॉल इट एज अ स्ट्रैटेजी, बिकॉज कोई भी एक स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजी बोलने के लिए उसको एक लंबा पीरियड तक टेस्ट किया जा सकता है, करना चाहिए। ओके, सो इट हैज़ टू बी टेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी एक साल, दो साल, ओनली देन यू कैन कॉल इट एज अ स्ट्रैटेजी। But this is not a strategy because it's an observation. Why it's an observation? Because I have tested it for last few months. And last few months mein agar aap jaake dekhenge, to you can very clearly see the shift of percentage of profitability in this table. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं ये strategy को, जो observation है, जो नया observation मैं अभी आप सबसे share करने वाला हूँ, इस observations को अगर मैं देखता हूँ April से आज तक, तो उसका accuracy आके दिखता है कुछ अराउंड 66%, जहाँ पर आप हर ट्रेड में 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में उसको आपको मिल सकेगा। अगर सेम चीज़ मैं मई के महीने से, मई फर्स्ट से लेके आज है 13th of June, लगभग 1.5 month का रिकॉर्ड में अगर देखता हूँ, तो उसका एक्यूरेसी इज कमिंग टू अराउंड 73%। एंड अगर मैं लास्ट एक महीने का, दैट इज 13th of June से लेके 13th of May तक का अगर मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ, तो इट इज़ कमिंग टू अराउंड 81%। तो दोस्तों, अगर आप मेरे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो, मेरे चैनल को फॉलो करते हो, तो हम लोग वहाँ पर अक्सर एंड हमेशा यही बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी स्क्रिप्ट, वो उसका अपना ही एक चाल होता है, अपना एक मूव्स होता है, एंड विथ टाइम इट कीप्स चेंजिंग। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको कोई भी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देगा, हमेशा कोई भी एक स्ट्रैटेजी लॉस देगा। हर एक स्ट्रैटेजी महीने में, मतलब साल में मान लीजिए अगर 12 महीना है, तो 12 महीने में 8 से 9 महीना ठीक ठाक से अच्छे से प्रॉफिट आपको देना चाहिए, अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। बाकी 1-2 महीना शायद ऐसे ही नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएगा, 1-2 महीना शायद लॉस पे जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 8 या 9 महीना प्रॉफिट दिया, बाकी 3-4 महीना लॉस दिया। ठीक है, इवन इफ दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज हैपनिंग, देन ऑल्सो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में लोग सोचते हैं कि इट्स अ मेथड, इट्स अ मैकेनिज्म और अ मशीन टू मेक इजी मनी, बट ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस रखना है, आपको ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है, एंड स्टॉक मार्केट से डरना भी नहीं है, तो ही आप इस पे से पैसा बना पाओगे। तो दोस्तों, इसका नाम है स्ट्रैटेजी का न्यूज़ है मुनाफा, मतलब न्यूज़ से मुनाफा कमाइए, न्यूज़ से प्रॉफिट कमाइए, न्यूज़ से अपना जो भी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है उससे उसका फ़ायदा उठाइए। अभी न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, आई एम श्योर के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, आई एम श्योर आप लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी पे ट्रेड भी करते होंगे, जो मेरे चैनल पे बहुत पहले 8-9 महीना पहले मैंने उसको पब्लिश किया था। वो होता है जो न्यूज़ के दिन में जिस स्टॉक को आप ट्रेड करते हो। अब यहाँ पर जो भी लिस्ट में मेरा नाम है, फॉर एग्जांपल मैं 10th of June का SBI बोल देता हूँ, क्योंकि 10th of June को एज़ पर मनी कंट्रोल, अब कहाँ से आपको मिलेगा, फॉर दैट यू हैव टू गो टू, इधर यू कैन गो टू मनी कंट्रोल और यू कैन गो टू, से फॉर एग्जांपल मनी कंट्रोल में आप जा सकते हो, जहाँ पर आपको ये नाम दिख जाएगा, जिस दिन जो भी दिन है उस दिन स्टॉक्स इन द न्यूज़ में आप जाओगे, सुबह अराउंड 8:30 AM के आसपास यू विल गेट द न्यूज़, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, देयर ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द सेम स्टॉक्स। ओके, सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स का नाम आपको उधर भी मिल जाएगा। सो दोस्तों, आपको करना क्या है एज पर दिस स्ट्रैटेजी, ओके, वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, बट वो बोलने से पहले, वो सुनने से पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेडर्स डेस्टिनेशन में जुड़े हुए कोई भी मेंटर्स, सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है, एंड हम लोग जो भी आप सबसे शेयर करते हैं, दोज आर बेसिस आवर अंडरस्टैंडिंग, This is our own knowledge and our own learnings only. So, अगर आप हमारे किसी भी वीडियो या हमारे गाइडेंस जो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस में कोई भी स्ट्रैटेजी पे अगर आप ट्रेड करते हो, तो प्लीज़ अपना फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। इनकम्प्लीट या फिर हाफ नॉलेज लेके ट्रेडिंग प्लीज़ मत कीजिए, इसमें आपका पैसे लॉस होने का चांसेस ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, आ जाता हूँ सीधा स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी का रूल इज़ वेरी वेरी सिंपल, जिस दिन स्टॉक्स इन द न्यूज़ में जो स्टॉक का नाम आएगा, आपको उस स्टॉक पे उस दिन अगर आप ट्रेड करना चाहो तो करो, बट एज पर दिस स्ट्रैटेजी अगले दिन आपको ट्रेड करना है। ठीक है, जो भी नाम आप यहाँ पर देख रहे हो, सो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, रादर मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखा दूंगा इसमें।
so that it becomes easy for you. So 10th of June ko SBI was in the news. ठीक है, अगर 10th of June को SBI news में था तो आप क्या करोगे? Okay, मैं SBI ले लेता हूँ. ये सब indicators की कोई ज़रूरत नहीं है. It doesn't need any indicator for you to trade as per this strategy. And you have to see it in 10 minutes candle. आपको 10 minute का candle पे ही देखना है. And हम लोग देखेंगे 10 तारीख के बाद वाला दिन, that is 11 तारीख. तो चले जाते हैं 11 तारीख के SBI पे. And उस पे मैं आपको explain कर दूँगा कि आपको क्या करना चाहिए. The rule is very simple. पहला candle of the day, पहला 10 मिनट का कैंडल अगर रेड कलर में होता है तो आप इस पे शॉर्ट करोगे, अगर ये ग्रीन में होता है तो आप इस पे बाय करोगे. रूल नंबर वन. रूल नंबर टू, जो भी कैंडल बनता है पहला दिन का पहला कैंडल, उस कैंडल का बॉडी जो है, व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ द कैंडल, ये देखिए कैंडल का हाई एंड लो जो रहता है, डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द कैंडल. एंड बॉडी ऑफ द कैंडल क्या होता है? बॉडी ऑफ द कैंडल होता है जो कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस होता है, जो सॉलिड जो पोर्शन जो दिखता है, दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द कैंडल. तो ये बॉडी ऑफ द कैंडल आपका 0.5% होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट वी आर यूजिंग ओवर हियर इज फायर्स. सो आप लोगों को पता ही है कि ट्रेडर डेस्टिनेशन इज द ऑफिशियल चैनल पार्टनर ऑफ फायर सिक्योरिटीज, एंड फायर्स यूज करता है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म. सो ट्रेडिंग व्यू एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होते हैं कि 0.5% लो, 0.75% लो, 0.05% लो, ऐसे जो भी रूल्स होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का, वो सारे चीज़ आप बहुत आसानी से कैलकुलेट, आई मीन इसे कोई कैलकुलेटर या एक्सेल यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपको मिल सकता है. ठीक है, आपको सिर्फ यूज़ करना है यहाँ पर एक इन्फो लाइन बोल के जो एक ड्राइंग टूल है इसको, एंड यहाँ पर देखिए एक मैग्नेट का सिम्बॉल है, आपको इस मैग्नेट के सिम्बॉल पर क्लिक करना है. इससे क्या होता है, आप जैसे इस कैंडल के ऊपर आओगे जो भी नियर बाई प्राइस होता है वो उसको कैच कर लेता है, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेता है. आपको ये मिल जाए, मिल गया, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद नीचे आके क्लिक किया तो आपको पता चल गया, देखिए ये 0.25% का है. ठीक है, सो अगर 0.25% का होता है सो देन इट क्वालिफाइज एज पर द रूल, आप इसके नीचे शॉर्ट करोगे. अभी आप इस आपने क्या किया, इसके नीचे शॉर्ट किया. उसके आगे एक दूसरा कैंडल फॉर्म होता है, देखिए ये कैंडल फॉर्म हुआ, जब तक ये सेकंड कैंडल फॉर्म हुआ तब तक आपका पहला कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ था, लो भी ब्रेक नहीं हुआ था. सो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको दूसरा कैंडल का भी बॉडी चेक करना चाहिए. देखिए सेकंड कैंडल का बॉडी है 0.03%. रूल क्या है, कोई भी कैंडल अगर 0.05% से कम होता है तो आप उस कैंडल के बेसिस में ट्रेड नहीं करोगे. एंड एक पहला कैंडल फॉर्म होने के बाद अगर दूसरा कोई कैंडल ऐसा बनता है जो 0.05% से कम होता हो तो आप आपका जो इनिशियल सेटअप था वो कैंसिल हो जाता है. ओके, इनिशियल सेटअप विल गेट कैंसल्ड एंड यू आर सपोज टू एंड लुक फॉर अ न्यू सेटअप. न्यू सेटअप मतलब क्या, अगला वाला कैंडल आप देखोगे. तो ये अगला कैंडल ग्रीन फॉर्म हो गया, डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि ये इसका जो बॉडी है दैट इज़ मोर देन 0.05%, एंड इसके हिसाब से आप ट्रेड लोगे. आप 0.5% एज पर दिस स्ट्रैटेजी यू आर सपोज टू पुट योर स्टॉप लॉस एट 0.5% एंड टारगेट इज गोइंग टू बी ऑलवेज 0.75%. ठीक है, ये हो गया आपका टारगेट, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ब्रैकेट ऑर्डर डालना है, क्वांटिटी डालना है, क्या प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्या प्राइस पे आपका टारगेट रहेगा, आपको वो डालना है. सो वंस यू आर डन विद दैट, यू आर इनटू द ट्रेड. दिन में सिर्फ एक स्क्रिप्ट पे एक ही ट्रेड लेना है, इसमें कोई रिवर्स ट्रेड नहीं होता है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर ट्रेड. अभी देखिए ये स्ट्रैटेजी में ट्रेड करने के लिए मैंने आपको एक कैलकुलेटर भी बना के दिया है. सो दिस इज़ द न्यूज़ ए मुनाफा कैलकुलेटर, जहाँ पर आपको एंटर करना है कि टोटल रिस्क आप कितना लेना चाहते हो एक स्टॉक में. तो फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 रुपीज़ का पर स्टॉक में पर डे का जो अगर आपका रिस्क फैक्टर होता है, डेफिनेटली बेसिस योर ओन मनी मैनेजमेंट बेसिस इफ यू आर फॉलोइंग द रूल ऑफ 5, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड द रूल ऑफ 5. अगर आपने नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो के एंड में एक लिंक रहेगा, वहाँ पर रूल ऑफ 5 का वीडियो रहेगा, वो एक बार देख लीजिए. ठीक है, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मींस. उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो, 1000 रुपीज़ अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल होता है फॉर वन स्टॉक इन वन डे एज पर दिस स्ट्रैटेजी,
तो आपका एंट्री प्राइस फॉर एग्जांपल इस कैंडल का हाई के ऊपर आप एंट्री करते हो, इस कैंडल का हाई के ऊपर क्या है 344.40, सो आप बाई कर रहे हो 344.45 ले लीजिए, 5 पैसे का बफर आप लेके चलोगे। सो यू विल गेट द टेक प्रॉफिट कितना होगा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा एंड आपका क्वांटिटी क्या होगा, एवरी थिंग यू आर गोइंग टू गेट एज पर दिस कैलकुलेटर। अगर शॉर्ट करना होगा से फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर इज द प्राइस किसी भी स्टॉक पे अगर आप शॉर्ट करते हो, इन दैट केस ऑल्सो आपको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका ट्रेडिंग कैपिटल 500 रुपये है, तो 500 रुपये में अगर कोई प्राइस होता है 300 रुपये का, उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो, सो दिस इज हाउ योर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट इज गोइंग टू लुक लाइक। क्वांटिटी कितना होना चाहिए उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको दे देगा। आपको सिर्फ जो ब्रैकेट ऑर्डर आप प्लेस करोगे उसमें ये सारे फिगर्स डालना है। ओके, इफ़ यू आर ट्रेडिंग यू विल बी ट्रेडिंग से फॉर एग्जांपल मैं बाई कर रहा हूँ और मैं अगर ब्रैकेट ऑर्डर में ट्रेड करता हूँ, तो मुझे क्या देना पड़ता है, आई नीड टू प्लेस दिस प्राइस राइट, कि कौन सा प्राइस पे मैं डालूंगा, कहाँ पर मैं मेरा टेक प्रॉफिट डालूंगा, वो प्राइस क्या होएगा एंड सॉरी वो टेक प्रॉफिट कितने पॉइंट्स का होएगा, स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का होएगा एंड क्वांटिटी कितना क्वांटिटी का होगा। सो यू कैन एक्चुअली पुट एवरीथिंग। सो फॉर एग्जांपल ये ट्रेड में क्या हो जाएगा, टेक प्रॉफिट मेरा 2.55 का होगा, मेरा स्टॉप लॉस 1.75 का होगा एंड कितना क्वांटिटी 286 क्वांटिटी का होगा। ठीक है, यू हैव टू पुट एवरीथिंग। डेफिनेटली प्राइस तो आपको पता ही है किस पे आपको एंट्री करना है। सो दिस कैलकुलेटर इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक दैट। अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए, हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वी आर इन टेलीग्राम, वी आर इन फेसबुक, वी आर इन यूट्यूब डेफिनेटली, एंड दिस कैलकुलेटर विल बी गिवन टू यू फॉर फ्री। ठीक है, तो ये है स्ट्रैटेजी। SBI का एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, एक दो और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज अगर आपका ट्रेड जो है वो अगर ट्रिगर 11 बजे तक नहीं होता है तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा सेटअप, और अगर ट्रेड ट्रिगर हो जाता है आपका टारगेट नहीं मिलता है, सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बुक प्रॉफिट एट वॉट एवर प्राइस इट इज एट अराउंड 3:15 PM। 3:15 बजे तक आपको ट्रेड कट करना है। 3:15 बजे के बाद वी ऑल नो दैट ऑटोमेटिकली सारे ब्रोकर्स उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड दैट यू वेट फॉर द ब्रोकर टू डू अ स्क्वायर ऑफ। अपने हिसाब से आप स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, अपने हिसाब से आप प्रॉफिट या लॉस जो भी है बुक कर लीजिए। वाई टू पे सम एक्स्ट्रा 20 रुपीज, बिकॉज इफ़ यू रिलाई ऑन द ब्रोकर, सारे ब्रोकर्स आजकल 20 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं फॉर ऑटो स्क्वायर ऑफ, वाई टू गिव दैट 20 रुपीज विच इज़ अननेसेसरी। ठीक है, अब मैं आपको रिलायंस का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। रिलायंस 11 तारीख को न्यूज़ पे आया था, मतलब हम लोग 12 तारीख को रिलायंस पे ट्रेड किए थे। अब रिलायंस पे क्या हुआ था, देखिए रिलायंस का शॉर्ट आया था, डेफिनेटली यू कैन सी शॉर्ट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए एक कैंडल फॉर्म होता है यहाँ पर जाके, जो एक डोजी टाइप का कैंडल है जिसका बॉडी इज डेफिनेटली लेस देन 0.05%, यू नो दैट वेरी वेल। सो इसके हिसाब से आप क्या करोगे, अगला कैंडल जैसे फॉर्म होता है, देखिए ये अगला कैंडल फॉर्म हो गया, इसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे। 0.75% इज गोइंग टू बी योर टारगेट, ये होता है आपका टारगेट एंड आपका जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 0.5% विच इज हियर। अब देखिए इस दिन में क्या हुआ, इस दिन आपका ये प्राइस यहाँ तक आया, ये प्राइस जो आया नीचे दैट इज लाइक इट केम डाउन टिल 0.6%, लेकिन आपका टारगेट यहाँ पर था, आपका टारगेट हल्के से मिस हो गया। ऐसा दिन भी आएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि एकदम प्रॉफिट के पास जाने के बाद, मतलब 0.7 तक जाएगा जाने के बाद घूम के एकदम स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। इट्स अ रूल ऑफ द गेम राइट, स्टॉक मार्केट में तो ये होता ही रहता है। ये सब को लिख के आपको उदास नहीं होना है एंड फॉर दैट पर्पस यू शुड बी फॉलोइंग द रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 आप फॉलो करके करोगे तो आपको ऐसे साइकोलॉजी जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, उसके हिसाब से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा अगर लॉस होगा तो। सो 3:15 बजे जो भी प्राइस है उस पर आपको स्क्वायर ऑफ करना है। आपको मार्जिन प्रॉफिट मिला ऑलमोस्ट लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस, बट आपने शॉर्ट किया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आपने मार्केट से निकला। ठीक है, ये था रिलायंस। येस बैंक का एग्जाम्पल आज के दिन में आया था, येस बैंक का एग्जाम्पल मैं इसके लिए ले रहा हूँ बिकॉज अगर आपने अभी जब मैं आपको कैलकुलेटर दिखा रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा कैलकुलेटर में एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है दैट एज पर दिस स्ट्रैटेजी। ओके, अगर आप ट्रेड कर रहे हो एंड वो
प्राइस जो आपका एंट्री प्राइस होता है वो अगर कोई होल नंबर हो, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल पे दिखाया 300 रुपये, सो 300.00 दैट बिकम्स अ होल नंबर, यू आर नॉट सपोज टू एंटर एट दैट प्राइस, यू आर सपोज टू टेक एन एक्स्ट्रा बफर ऑफ 5 पैसा। तो अगर आप बाई कर रहे हो एंड इफ द प्राइस इज 300, यू आर सपोज टू टेक 300.05। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो एंड द प्राइस इज 300, यू आर सपोज टू प्लेस अ प्राइस ऑफ 299.95। वो एक एडिशनल 5 पैसे का बफर रखना है आपको, और वो एडिशनल 5 पैसे का बफर अगर आप रखते हो तो आपको बेनिफिट होता है। कैसे बेनिफिट होता है वही दिखाने के लिए आज का जस्ट डायल का ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कल जस्ट डायल न्यूज़ पे था, सॉरी येस बैंक का ट्रेड, सो कल येस बैंक न्यूज़ पे था एंड आज आप देख रहे हो कि येस बैंक में जो पहला कैंडल है वो रेड था, मतलब मैं इसके नीचे शॉर्ट करूँगा, राइट, वेरी सिंपल, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कहाँ होगा मेरा प्रॉफिट? 0.75% पे, ठीक है। आपको लगेगा कि ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 0.75% आपको दे नहीं रहे हैं, बिकॉज माइनस यहाँ पर देखिए 0.73 आ रहा है 90 पैसे में, एंड जैसे 95 पैसे आप कर रहे हो ये 0.795 में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए हो रहा है बिकॉज ये स्टॉक का प्राइस कम है एंड फॉर दैट पर्पज़ वो परसेंटेज शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। आपको ये बात तो पता ही है कि 5 पैसे का मल्टीप्लायर में ही आपको जो भी टारगेट या स्टॉपलस है वो डालना होता है, उसके हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। सो मैं ये वाला टारगेट ही डाल देता हूँ, 1 रुपये वाला टारगेट 0.79% का, दिस इज़ योर टारगेट, स्टॉपलस विल बी योर 0.5%, सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टॉपलस। एंट्री प्राइस डेफिनेटली आप यहाँ पर एंट्री करोगे, 5 पैसा नीचे आप एंट्री करोगे। अभी देखिए क्या है, पहला कैंडल के बाद अगला कैंडल यहाँ से शुरू हुआ, ये बहुत लंबा कैंडल है। अभी ये देख के आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था सिचुएशन। मार्केट ख़त्म होने के बाद अगर आप देखते हो आपको लगेगा कि ठीक है शायद प्रॉफिट हुआ था, शायद यहाँ पर एंट्री करना चाहिए था, बट इसको और क्लैरिटी करने के लिए, क्लियरली आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं आपको आज का दिन में, आज 13 तारीख था, लेके जा रहा हूँ। अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो ये कैंडल का लो क्या है, 126.05। 5 पैसे का बफर लेके अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको लेना पड़ेगा एंट्री एट 126 रुपीस, राइट, 126 रुपीस पे लेना चाहिए। लेकिन आप 126 रुपीस पे एंट्री नहीं करोगे बिकॉज इट्स अ होल नंबर, आपको उससे 5 पैसा नीचे 125.95 पे करना है। कुछ डिफरेंस हुआ यहाँ पर? कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं हुआ, 769 आप स्टॉक्स पे ट्रेड करने वाले थे, शायद वही स्टॉक्स पे आप ट्रेड करोगे, लेकिन ये बफर लेना आपके लिए ज़रूरी है एज पर दिस स्ट्रेटजी। अगर नहीं लेते तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप एंट्री 5 पैसे का एडिशनल बफर नहीं लेते, 126 पे एंट्री करते, तो ये कैंडल 9:27 AM का कैंडल का लो इज़ 126, यहाँ पर आपका शॉर्ट ट्रिगर हो जाता एंड अगला ही कैंडल में स्टॉप लॉस हो जाता। ये 5 पैसे ने आपको बचा दिया, आपका एंट्री यहाँ पर हुआ, उसके बाद मार्केट बहुत नीचे गिरा, बट यू शुड नॉट बी वरीड कि आपका ट्रेड ख़त्म होने के बाद मार्केट कहाँ जा रहा है, दैट इज़ द रूल ऑफ द मार्केट। आपका ट्रेड ख़त्म होने के बाद आपका टारगेट मिल गया या फिर आपका अपना स्टॉप लॉस मिल गया, यू शुड बी हैप्पी विद इट, आपको उससे ज़्यादा लालच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द रूल ऑफ द मार्केट। अगर आप ज़्यादा लालच करेंगे तो जो भी आपके हाथ में आया शायद वो भी आप खो दोगे। ओके, दिस इज़ द फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी, अ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन, बिकॉज 1:1.5 पे आपको ऑलमोस्ट 80% का एक्यूरेसी मिल रहा है, विच इज़ अमेजिंग। अगर आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी है आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा होता है अगर 1:1.5 का 80% वाला स्ट्रैटेजी पे आप पूरा साल भर काम कर सकते हो, तो ठीक है, इट वर्क्स लाइक मैजिक। आपको अगर लग रहा है कि आपको ऐसा रैली को पकड़ना चाहिए था, आपने एक बहुत बड़ा सा रैली मिस कर दिया, सो इफ़ यू वांट टू लर्न दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड जॉइन द फ्यूचरिस्टिक बिगिनर वर्कशॉप। हम लोग एक वर्कशॉप रन करते हैं, यहाँ पर 10 बैचेज आज तक ऑलरेडी यहाँ से ग्रेजुएट आउट हो चुके हैं। 11th बैच इज़ गोइंग टू बी ऑन June 23rd, ओके, एंड इस वर्कशॉप का प्राइस जो है दैट इज़ 2999, एंड इफ़ यू आर आर्मी और अ पुलिस पर्सनल
you will be getting a discount of 26%. If you are a person with disabilities, you will get a discount of 50%. यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं. हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स सिखाते हैं जिसके बेसिस में आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो. आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का टेक्निक हम सिखाते हैं, जैसे कि इस टाइप का रैलीज को आप कैसे पकड़ पाओगे, हम लोग ये सिखाते हैं. एंड डेफिनेटली मनी मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, वो सब बताते हैं. तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए. वहाँ पर किसी भी एडमिन को पूछिए, दे विल बी देयर टू गाइड यू एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड ज्वाइन द ग्रुप वेयर मेनी अदर पीपल. ऑलमोस्ट 150 से भी ज़्यादा लोग इन लास्ट 10 बैचेस में यहाँ से फ्यूचरिस्टिक बिगिनर्स सीख के गए हैं. दे आर डूइंग वेरी गुड. उन लोगों को एक प्रीमियम स्ट्रैटेजी भी हम लोग फ्री में देते हैं. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी दैट वी पे, वी गिव इट टू देम. उसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है. सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी. द रूल्स आर वेरी वेरी सिंपल. एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ रूल्स को. टारगेट विल बी 0.75% ऑफ द प्राइस. स्टॉप लॉस विल बी 0.5% ऑफ द प्राइस. कैंडल बॉडी का रूल है 0.05% होना चाहिए. एंड अगर पहला कैंडल जैसे आपको सिग्नल मिलता है, उसके बाद अगर ट्रेड ट्रिगर नहीं होता है एंड कोई भी एक दूसरा कैंडल आता है जिसका बॉडी 0.05% से कम होता है, सो इन दैट केस आपका ट्रेड सेटअप कैंसिल हो जाता है. यू हैव टू वेट फॉर अ न्यू सेटअप टू फॉर्म. 11 बजे के बाद कोई न्यू ट्रेड आप नहीं लोगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज द रूल ऑफ फाइव. आपको रूल ऑफ फाइव फॉलो करके ही ट्रेड लेना है. ओके, दैट्स ऑल फ्रेंड्स. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड अ हैप्पी ट्रेडिंग एंड अ प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल ईयर 2019-20. फिर मिलेंगे.